हेलो एवरीवन, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे कि गत क्या होती है। गत का जो प्रयोग है वादन में किया जाता है। वादन में आपके जो तार वाले वाद्य होते हैं उनमें किया जाता है। तार वाले वाद्य आपके हैं तार, स्रोत, वीणा। जब राग के स्वरों को इन तार वाले वाद्य पर बजाया जाएगा तो ये आपकी गत कहलाएगी। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, गत किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं और संक्षेप में वर्णन कीजिए। गत किसी राग के स्वरों की तालबद्ध रचना। तालबद्ध रचना वो होती है जो ताल में बंधी हुई हो, जो सितार स्रोत तथा वीणा पर बजाई जाए आपकी गत कहलाती है। जब हम राग के स्वरों को सितार स्रोत वीणा पर बजाएंगे आपकी गत कहलाती है। गत में स्थाई और अंतरा दो भाग होते हैं। जैसे कि आपने गायन में देखा था कि बंदिश होती है जो आपकी, उसके भी दो ही भाग थे, स्थाई और अंतरा। इस तरीके से गत के भी दो ही भाग है, स्थाई और अंतरा। स्थाई जब किसी भी गीत के पहले भाग को क्या कहा जाता है, स्थाई, और अंतरा किसी भी गीत के दूसरे भाग को क्या कहा जाता है, अंतरा। गत में स्थाई की दो लाइनें होती हैं। स्थाई की दूसरी लाइन को मंझार कहा जाता है। तो एक नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है कि मंझार किसे कहते हैं, तो स्थाई की दूसरी लाइन को क्या कहा जाता है, मंझार। इसी प्रकार अंतरे की भी दो लाइन होती है। गायन में जो स्थान बंदिश और गीतों का है, वादन में वही स्थान गत का है। देखो जो हम बंदिशें हैं जो गाई जाती हैं, ये गायन में आते हैं, तो जो गत का प्रयोग है वो वादन में किया जाता है। तो इस तरीके से जो स्थान बंदिशों को और गीतों को दिया गया है गायन में, उसी तरीके से वादन में स्थान गत का है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गत के प्रकार। गत के प्रकार बहुत से माने गए हैं, लेकिन बेसिकली आपके दो ही प्रकार माने गए हैं, मसीद खानी गत और रजा खानी गत। मसीद खानी गत का आविष्कार मसीद खां के द्वारा किया गया, इस कारण से इसका नाम मसीद खानी गत रखा गया। मसीद खां थे कौन, ये अमीर खुसरो के वंशज थे। आगे मैं आपको बता दूं, किसी दिल्ली का बाज या पश्चिमी बाज के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बाज का अर्थ बता दूं मैं, जब स्वरों को बजाने के लिए उंगलियों का अलग अलग तरीके से प्रयोग करना आपका बाज कहलाता है। ठीक है, जब हम स्वरों को बजाने के लिए उंगलियों का अलग अलग तरीके से प्रयोग करेंगे आपका बाज कहलाएगा। बाज दो भागों में बांटा गया, एक पश्चिमी बाज और दूसरा था पूर्वी बाज। अब आपको जैसे कि पता है कि गायन में घराने होते हैं कुछ। घराने में क्या होता है, गुरु शिष्य परंपरा, जिसमें गुरु अपने शिष्य को संगीत की शिक्षा देता है। उसी तरीके से गत आपका वादन का पाठ है, और वादन में भी हमारी गुरु शिष्य परंपरा रही है। तो जो हमारे वादन के घराने थे इनको दो भागों में बांट दिया गया, एक था आपका पश्चिमी बाज और दूसरा है आपका पूर्वी बाज। तो पश्चिमी बाज में जो आपके घराने आए वो दिल्ली का घराना था और दूसरा था अजराड़ा का घराना। तो इसी कारण से इसको जो मसीद खानी गत है ये दिल्ली घराने में अधिक बजाई जाती थी, तो इसी कारण से इसको दिल्ली का बाज कहा गया, और या फिर हम इसको पश्चिमी बाज भी कह सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी बाज में ही हमारा दिल्ली का घराना आता है और अजराड़ा घराना आता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं अब इसके बारे में। गायन में जो स्थान बड़े ख्याल को प्राप्त है, आपको पता है कि ख्याल के दो प्रकार होते हैं, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल। ये ख्याल आपको आगे टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ख्याल है जो आप इतना ही समझ लो कि आपके राग होते हैं, वही स्थान वादन में मसीद खानी गत को प्राप्त है। मसीद खानी गत में लय विलंबित होती है, इसीलिए इसे विलंबित गत भी कहते हैं। तो लय धीमी होने के कारण इसे हम क्या कह सकते हैं, विलंबित गत भी कहते हैं। इस गत का आविष्कार अमीर खुसरो के वंशज मसीद खां ने किया था, इसलिए इस गत का नाम क्या रखा गया, मसीद खानी गत। इस गत की जो प्रकृति है गंभीर होती है। गत शुरू करने से पहले उस राग में आलाप किया जाता है और इस गत को विलंबित तीन ताल में बजाया जाता है। गत के बोल है जो निश्चित होते हैं, जो कि इस प्रकार है, दिर दा दिर दारा दा दा रा दिर दा दिर दारा दा दा रा। इन बोलों का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जो बोल है वो आपके निश्चित ही रहेंगे। रजा खानी गत का जो आविष्कार है वो रजा खां ने किया था, इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा है, रजा खानी गत। अब इसको हम पूर्वी या लखनऊ का बात भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, ये जो रजा खानी गतें हैं ज्यादातर लखनऊ घराने में बजाई जाती हैं, तो लखनऊ घराने में होने के कारण इसको लखनऊ का बाज भी कहा सकता है, और जो लखनऊ का घराना है वो आपका पूर्वी बाज में आता है, तो इस कारण से इसको पूर्वी लखनऊ का बाज कहा जाता है। इस गत का आविष्कार रजा खां ने किया था, इसलिए इस गत
का नाम रजा खानी गत रखा गया। इस गत को भी मसीद खानी गत की तरह स्तार स्रोत वीणा आदि पर बजाया जाता है। इस गीत को मध्य और द्रुत लय में बजाया जाता है। उस विलंबित लय में बजाया जाता था मसीद खानी गत को, और रजा खानी गत को मध्य या फिर द्रुत लय में बजाया जाता है। जैसे कि आपको बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल में देखने को मिलेगा कि जो बड़ा ख्याल है उसकी लय विलंबित होती है और जो छोटा ख्याल होता है उसकी लय मध्य या फिर द्रुत होती है। तो इसी तरीके से रजा खानी गत में इसकी जो लय है मध्य और द्रुत लय है। इसमें तोड़े और अंत में झाला बजाकर गत की समाप्ति होती है। ये जो तोड़े और झाले होते हैं ये वादन में बजाए जाते हैं। थैंक यू।